सो गाइस, आप लोगों के डिमांड पे आज हम लेके आ गए हैं फाइट कंपैरिजन वाली वीडियो, जिसमें आज हम थॉर वर्सेस माइटी थॉर के ऊपर बात करेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कभी अगर इन दोनों में बैटल हुए तो इन दोनों के बीच कौन जीतेगा। तो गाइस, इस बात का फैसला हम इनके पावर एबिलिटीज, ओरिजिन स्टोरी और फाइट एक्सपीरियंस से करेंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं माइटी थॉर के ओरिजिन और पावर एंड एबिलिटीज के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि माइटी थॉर कैंसर से सफ़र कर रही होती हैं, उसका ये हाल देख के थॉर उसे अपने घर यानी एसगार्ड ले जाता है, ये सोच के कि वहाँ इसका इलाज मैजिक से होगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। पर जेन फोस्टर एसगार्ड तो चली जाती है पर मैजिक से अपना इलाज नहीं करवाती है, ये कहते हुए कि वो एक आम इंसान है और साथ में डॉक्टर भी, और वो अपना इलाज मैजिक से नहीं करवाएगी, वो भी बाकियों की तरह इस दर्द को बर्दाश्त करेगी। इसी निस्वार्थ भाव को देखते हुए म्योनिर दूर किसी प्लेनेट पे पड़ा उसे फील करता है, बिकॉज उसे भी कोई चाहिए था जो उसका यूज़ करे, जो सच में उसके लिए वर्दी हो। जेन फोस्टर की इसी निस्वार्थ भाव को देख के वो जेन फोस्टर को अपने पास बुलाने लगता है, जिसके बाद जेन उसी प्लेनेट पे चली जाती है और उस हैमर को उठा के बन जाती है माइटी थॉर। मैंने गाइस यहाँ बहुत शॉर्ट में बता दिया है ओरिजिन जेन फोस्टर का, अगर आपको फुल ओरिजिन जानना होगा तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो है लेडी थॉर वाला ओरिजिन का, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं जेन फोस्टर के पावर एंड एबिलिटीज की। तो जेन के पास भी वो सारी पावर्स हैं जो थॉर के पास हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट वेदर मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रोकेनेसिस स्टार क्रिएशन और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सारी पावर जेन फोस्टर को म्योनिर से ही मिलती हैं। अगर उसके पास म्योनिर ना हो तो सिर्फ एक आम इंसान ही रहेगी वो। बात करें जेन के फाइटिंग एक्सपीरियंस की, तो अभी तो जेन फोस्टर उतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं जितनी थॉर ने लड़ी हैं। थॉर कई सालों से दुश्मनों से फाइट करता आ रहा है, पर जेन फोस्टर थॉर से काफ़ी अच्छा म्योनिर का यूज़ करती, ये बात मानने वाली है। फाइटिंग स्टाइल भी थॉर से काफ़ी बढ़िया है जेन फोस्टर की। बाकी बात करें कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स में उसने थॉर के अनुवर्ती होने के बाद लॉकी, ऑडिन, फ्रोजेंट, मेलाकिड और मैंगोक जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा चुकी है। पर मैंगोक जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के ओरिजिन और पावर एबिलिटीज के बारे में। गाइस, थॉर का ओरिजिन तो आप सभी जानते ही हैं कि थॉर ऑडिन और फ्रिगा का बेटा है और साथ ही में एसगार्ड का किंग भी, म्योनिर का पहला सक्सेसर भी कह सकते हैं जिसको। पर अपने लापरवाह नेचर की वजह से म्योनिर को समन नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है उसी टाइम के साथ थॉर मेच्योर होता जाता है, समझदार होता है, इसके बाद वो म्योनिर को अच्छे से यूज़ कर पाता है, उसके लिए वर्थी हो पाता है। बात करें थॉर के पावर और एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड रेजिस्टेंस टू इंजरी एंड इमोर्टैलिटी। साथ ही में थॉर एक गॉड है, उसके जन्म से ही उसे अपनी पावर्स मिली हैं, उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए हैमर की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करें थॉर के फाइटिंग एक्सपीरियंस की, तो थॉर अभी 1500 साल का है, जिसमें उसने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अर्थ को कई बार बचाया है। फाइटिंग एक्सपीरियंस में तो थॉर माइटी थॉर से काफ़ी ज़्यादा आगे है, बिकॉज किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए टेक्निक के साथ साथ फाइटिंग एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि इन दोनों में अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। इसके लिए हम आपको एक कॉमिक्स की स्टोरी बताते हैं, जहाँ थॉर और माइटी थॉर मिलकर ग्लेडिएटर से फाइट कर रहे होते हैं। ग्लेडिएटर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल विलन है, जो अपने पावर से प्लैनेट्स को भी उसकी जगह से खिसका सकता है। तो उस फाइट के दौरान जब माइटी थॉर का सामना ग्लेडिएटर से होता है, तो पहले ही फाइट में ग्लेडिएटर उसका गला पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देता है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। बट वहीं थॉर हल्क, सिल्वर सर्फर, हाइपरिनियन साथ ही ग्लेडिएटर को भी हरा देता है। तो आप समझ सकते हो कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। थॉर में कहें तो जेन फोस्टर एक आम इंसान है, जो म्योनिर को उठाने के बाद थॉर के पावर्स को सिर्फ प्रोसेस करती है, ना कि गॉड बन जाती है। ये पावर तभी तक उसके पास है जब तक कि उसके हाथ में म्योनिर है, और कॉमिक्स में तो वो ज़्यादा देर तक थॉर भी बनी नहीं रह सकती, बिकॉज उसे कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होता जाता है जैसे जैसे वो थॉर बनती है, और वो कमज़ोर होती जाती है। वहीं थॉर के पास कई सालों के फाइटिंग एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक गॉड होने के भी पावर्स हैं, जिससे वो म्योनिर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो बिना हथियार के भी उतना ही ताकतवर है जितना ऐसे, और उसने एंड गेम में न ही थानोस को अधमरा किया था, बल्कि थॉर ने थानोस की पूरी आर्मी और उसके जहाज़ों को भी एक झटके में तबाह कर दिया था, जिससे साबित होता है कि थॉर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर इन दोनों के बीच वैसे तो कभी फाइट होगी नहीं, और हुई भी तो थॉर ही जीतेगा। तो हाँ गाइस, इस बैटल का विनर है थॉर। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहोगे कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताना गाइस। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तब तक मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।